ब्याज मिलता था। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक मिनट अनिल सिंह, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ। राजेंद्र कुमार शर्मा लिख रहे हैं, आदरणीय सर जो संगठन बने हुए हैं उनसे जमाकर्ता क्यों नहीं जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनका एजेंडा गलत हो जाता है। काउंटर से भुगतान की बात हो, वर्कर को रोजगार मिले, संस्था को प्रोटेक्शन मिले, इन बिंदुओं पर भी बात होनी चाहिए। देखिए, मैं बार बार यही कहता हूं जी, जी। मैं एक मीडिया के रूप में, मेरी ये जरूर मंशा होगी कि जो वर्कर अभी भी काम कर रहे हैं या जो वर्कर अभी नौकरी से हट गए हैं, उनको लग रहा था कि इतने दिन तक हम इस संस्थान से जुड़ करके काम कर रहे थे और जो दो चार पैसा कमा रहे थे वो किसी प्रकार से रिस्टोर हो जाए और निवेशक का पैसा मिल जाए। ये जो स्थिति है ये बहाल करने के लिए आपके जो जितने संगठन हैं, वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको मिल करके एक बात करनी चाहिए और सब मिल करके सहारा के जो अभी एम्प्लॉई हैं उनको भी अपने साथ जोड़िए और उनके साथ एक बात मैं करूंगा, उनको बोलिए कि आपके हित की भी हम रक्षा करेंगे, आप भी हमारे साथ आइए। ठीक कह रहे हैं ये, मैं आपके बात से सहमत हूं। अनिल जी बोलिए जी। हम सहमत तो हम भी है, लगातार मैं कहता हूं कि सहारा मैनेजमेंट से प्रताड़ित एजेंट है, इन्वेस्टर है और सहारा मैनेजमेंट में काम करने वाला स्टाफ भी है, लेकिन वो स्टाफ अपनी नमक का जो शर्त अदा करते हैं वो सहारा मैनेजमेंट के साथ अदा करते हैं। एक एजेंट या इन्वेस्टर अपना यदि पीएफ प्रोविडेंट फंड का समरी मांगता है, नहीं मिलता है, टीडीएस काटा गया, वो समरी इसको नहीं देता है, कभी नहीं देता है। मेरे पास भी पीएफ का कार्ड पड़ा हुआ है, कभी मैंने आपके मीडिया पर भी वो कार्ड दिखाई, चिल्लाई चीज था सजेशन आता ही दिखला रहा हूं। नहीं नहीं, एजेंटों को बोनस कमीशन इंसेंटिव वार नहीं दिया जाता है, उनके पैसे वॉलेट में काट लिए जाते हैं। सब पूछा जाए, क्या पूछ रहे हैं अनिल जी? मैं ये कह रहा हूं कि जो एम्प्लॉई मान लीजिए प्रबंधन में काम कर रहा है, फर्ज कीजिए आप काम कर रहे हैं, आपको पैसा मिल रहा है, आपका परिवार चल रहा है, तो ये बात हो सकती है कि वो तात्कालिक उनको लगता है मुझे लाभ मिल रहा है, मेरा परिवार चल रहा है, अगर मैं अभी कुछ बोलूंगा मेरी नौकरी चली जाएगी, तो इनसिक्योरिटी का जो भाव होता है ना, उस वजह से हो सकता है कि वो प्रबंधन की बात को मानने के लिए मजबूर हो, तो ये बात उनको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। और तब जब ये आप उनकी पीड़ा को भी समझेंगे, उनके दुख को भी समझेंगे, क्योंकि मैं एक थर्ड पार्टी हूं तो मैं देख पा रहा हूं सारी स्थिति को, तो वही मैं एम्प्लॉई की भी स्थिति को देख पा रहा हूं और आपकी भी स्थिति को देख पा रहा हूं और सहारा की भी स्थिति को देख पा रहा हूं, सरकार की भी स्थिति को देख पा रहा हूं कि धूर्तता कौन कर रहा है। तो मैं धूर्त पाठक जी, मैं जवाब दे देता हूं। हां एक पाठक जी, मैं जवाब दे देता हूं, मैं जवाब दे देता हूं ऐसे लोगों के लिए। अगर सहारा मैनेजमेंट के जो ऑफिस का स्टाफ है वो चाहते हैं कि हम ऑफिस में आज भी रोजगार पाएं, प्रति महीना वेतन पाएं, कोई एतराज नहीं है। जो एजेंट जो कल तक जिन्होंने रिजाइन दे दिया, रिजाइन वापस लेकर के काम करना चाहते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। सहारा पहले की तरह खूब जैसे कि पैसा मार्केट से बटोरती रहे, कोई एतराज नहीं है। एतराज इस बात से है कि हम इन्वेस्टरों को पेमेंट कब मिलेगा। इन्वेस्टर का पैसा गया हवा में, इन्वेस्टर के पैसे पे ऑफिस का स्टाफ मलाई खाए गुलछर्रे हुआ है प्रति महीना लेकर के। वो मकान हाउसिंग लोन ले लेते हैं, कार लोन ले लेते हैं, वो अपने बीबी बच्चे परिवार का पूरा वो भरण पोषण पालन कर लेते हैं, उनके बीबी बच्चे पूरे परिवार मलाई खा के मौज करते हैं। और गया तो कौन, एजेंट बर्बाद हो गया। बर्बाद कौन हुआ है, इन्वेस्टर बर्बाद हो गया। मैं बता दूं कि इन्वेस्टरों को जो टीडीएस जो काटी जाती है मैच्योरिटी पेमेंट के दौरान में, आज तक उनको सहारा मैनेजमेंट ने नहीं दिया है, आज तक नहीं। एजेंटों का जो टीडीएस काटा जाता है कभी भी टाइम पे सहारा मैनेजमेंट जमा नहीं करता इनकम टैक्स विभाग में। इसके चलते इनकम टैक्स विभाग से जो आना चाहिए, जो आप मालूम है कि आपको जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न कब किया जाता है, तो उस वक्त एजेंट बौखलाहट में माँ बहन की एक तूतू में हो जाती है ऑफिस में, उसके बाद में ऑफिस के कंप्यूटर प्रिंट पे छाप करके इनकम टैक्स वाला दो पेज दिया जाता है मैनेजर का, उस पर दस्तखत और ऑफिस की सील लगी होती है, उसको भी रिटर्न फाइल करता है। तो जितने लोग रिटर्न फाइल किए उस तरह से, सिर्फ उन्हीं का टीडीएस जो है सो कि वो उनको लौटाता है इनकम टैक्स विभाग में, फिर इनकम टैक्स विभाग से वो अपना कैसे वसूलेगा या उसका टीडीएस कितना फंसा हुआ है वो मिलेगा या सरकार से ले नहीं पाएगा टीडीएस के पैरामीटर्स और बायोलॉज के हिसाब से। एक मुद्दा है प्रोविडेंट फंड जो काटता है, ये किसी को, मैंने कहा भी, हमारे नौसाद भाई कह रहे थे ईएसआई डिपार्टमेंट जो है, ईएसआई सॉरी नहीं, प्रोविडेंट फंड का जो विभाग है, मैं बता दूं कि वो हाथ खड़े कर लेता है तो ये क्या ईएसआई, ये क्या 420 है। 2012 से मैं पहले की बात कह दूं पाठक सर कि हाउसिंग और रियल एस्टेट की जो है वो स्वर्ण योजना रजत योजना के नाम से पॉलिसी आई थी, उसमें पूरे भारत में देश विदेशों में मकान देने की बात हुई थी
और कहा गया था कि आप च्वाइस कीजिए, दर्जन भर से ऊपर च्वाइस मांगे गए थे कि आपको कैसा प्लॉट चाहिए, किस शहर में कैसा मकान चाहिए। वो योजना कोर्ट में इनका फंस गया, कई सर्कुलर में फंस गया, जो भारत के जितने भी जो मंत्रालय है जहां से सहारा इंडिया जैसी मैनेजमेंट को ये परमिशन जो मिलता है अलग अलग पॉलिसियों को रन करने का, वहां जब मामला इनका चप गया तुरंत इन्होंने इनको कहा पहले से ज्यादा ब्याज देंगे। स्वर्ण योजना और रजत योजना वाले जो है सो कि सब पैसा को रीइन्वेस्ट करवा लिया हाउसिंग और रियल एस्टेट में। हाउसिंग रियल एस्टेट भी जब टाइम पे फीस होने लगा, जब कोर्ट में जब फंस गया, सहारा से भी विवाद जिसको दुनिया जानती है, उसको क्यू शॉप में कन्वर्ट करा दिया गया। ये कहा गया था भरवली कहा गया था पाठक सर कि जितने जोनल मैनेजर है उन्होंने मीटिंग करके कहा था कि सहारा के एजेंटों और सहारा के इन्वेस्टर तुम हमसे लाभित हुए हो, हम पर डिपेंड करो, हम पे विश्वास करो, क्योंकि हमने तुमको एक का दो दिया है, एक का ढाई दिया है, एक का तीन दिया है, उसी तरह हम देंगे। ये कोर्ट का छर या सेबी से बचो, ये लोग गुमराह कर रहा है, गलत जानकारी दे रहा है। और उनको कहा गया कि आप री इन्वेस्ट करो, क्यू शॉप में ज्यादा पैसा है ज्यादा देंगे। उसको कहा गया, यह भी कहा गया कि जो हाउसिंग रियल एस्टेट वाली जो पॉलिसी है उसका जो मैच्योरिटी डेट है उसके हिसाब से हम तुम्हारे क्यू शॉप का सर्कुलर कितना था, 5 साल में प्री मैच्योरिटी, 6 साल में मैच्योरिटी, उसमें देने की बात की गई थी। 2.32 गुना या तो 2.35 गुना पेमेंट देने की बात थी क्यू शॉप में जितने पैसे री इन्वेस्ट कराए गए थे। मैं बता दूं कि क्यू शॉप में 99.99% री इन्वेस्ट का था, फ्रेश एनसीसी न्यू कैश कलेक्शन नहीं था। तो ये चीजें घोटाला किसने किया, सरकार को लोग कह रहे हैं, सरकार ने भी घोटाला किया। कब, जब ये पोर्टल आया पिनाक पानी मोंटी के केस में, जो रिट पिटीशन था उसमें 5,000 करोड़ देने की बात की गई थी पिनाक पानी मोंटी एंड 24 अदर्स को, तो उसको रिट को इन्होंने आधार बना लिया सहकारिता मंत्री ने और गलत ढंग से उसमें हस्तक्षेप किया। लोकसभा में जो जवाब जो दिया था अमित शाह ने एज ए सहकारिता मंत्री, उस ऑर्डर शीट में कहीं नहीं था लिखा हुआ कि 10 आवाज नहीं आ रही है आज भी। तो अब देखिए हमारी आवाज आ रही है पाठक सर जी? आ रही है जी। मैं कंटिन्यू करता हूं, बहुत कम शब्दों में आपका मैं जवाब देता हूं। अब देखिए सहारा के साथ सरकार मिली हुई है तो मैंने प्रूफ कर दिया, एज ए सहकारिता मंत्री अमित शाह को चाहिए था एक लाइन का ऑर्डर पास करना था कि चूंकि 4 सोसाइटी के जो है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारा इंडिया है, सहारियन वर्पल मल्टीपर्पज है, स्टार मल्टीपर्पज है, तो ये उससे गवर्न होने वाले कई पॉलिसी हैं, एक लाइन का इनको आदेश देना था, ऑफिशियल आदेश एज ए सहकारिता मंत्री, जिस प्रकार की इन्होंने अपने पावर का उपयोग करते हुए धारा 370 और 35 को रगड़ दिया, 2 मिनट में भारत का वो सब कुछ पहले वाला स्थिति अब चेंज हो गया, तो क्यों नहीं इन्होंने आदेश पास किया कि सहारा मैनेजमेंट ने पैसा लिया है, सभी एजेंटों को उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करो, ओरिजिनल जितने हैं जो बॉन्ड होल्डर उनको, चाहे वो सोर्स ऑफ इनकम आपको पूछ रहा है पूछ लीजिए कि आप 1 लाख या तो 1 करोड़ एक ही दिन में कैसे री इन्वेस्ट कर दिए, या उनका जो टीडीएस काटना है काट लीजिए, यानी कि जितने भी भारत में कानून है जो आपको लादना था लाद देते इन्वेस्टरों के, लेकिन एक लाइन का जवाब उनको आदेश देना था कि बोनाफाइड इन्वेस्टर को जो सहारा के जो सोसाइटी से गवर्नमेंट तमाम पॉलिसी में इनको कानून सम्मत एग्जामिन करके 100% जो बोनाफाइड पाए जाते हैं इनको 100% पेमेंट दे दो। जो इन्होंने 5,000 और 10,000 20,000 का लॉलीपॉप चालू किया तो ये सरकार का हस्तक्षेप है, क्योंकि इन्होंने देखा कि 12,000 करोड़ जो है सो कि इन्वेस्टर है, 50 लाख प्लस जो है सो कि कार्यकर्ता है कौन मैं बता देता हूं, इनको सहारा की भाषा में फील्ड वर्कर कहा जाता है, ये प्रमोटर कैडर से शुरू होते हैं, इनको ठेठ हिंदी में एजेंट भी कहा जाता है, अब मैं बता दूं, और अच्छी भाषा में इनको कहा जाता है फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ द कंपनी, मैं सभी भाषाओं को जो है इंटरप्रेट कर दे रहा हूं आपके चैनल से। अब देखिए ये घोटाला नहीं तो क्या है, लिया किसने पैसा, सहारा ने, देगा कौन सहारा, तो सरकार क्यों ठेका ले रही है कि आज 10,000 मिलेगा 5,000 मिलेगा। अब मैं सहारा पे आता हूं, ये जो ओपी श्रीवास्तव है, डीके श्रीवास्तव है, स्वप्ना राय है, सुब्रत राय तो चले गए दुनिया छोड़ करके, पिछले महीनों में सबने दुनिया ने पूरी देखा। मैं बता दूं कि अभी भी जो है सो कि आपको ये क्यू शॉप के कौन थे डायरेक्टर, क्यू शॉप के डायरेक्टर थे कर्णेश अवस्थी, अभी भी अंदर में है, हवा खा रहे हैं, जेल की खिचड़ी खा रहे हैं, पता नहीं चक्की पीसेंगे कब मालूम नहीं, क्योंकि पुराने जमाने में चक्की पिसवाई जाती थी, अब शायद ये बैठ कर मलाई तोड़ रहे होंगे जेल में, क्योंकि इन्होंने अरबों खरब भारत के नागरिकों का लूट रखा है। अब मैं बता देता हूं, सुब्रत राय मर गए, वो भी थे इसमें डायरेक्टर, उसमें उसके जो शेयर थे उसमें शेयर होल्डर थे, स्वप्ना राय वो भी शेयर होल्डर थी, स्वप्ना राय
आई कि नहीं आई भारत में, यह जांच का विषय है। पति के मर जाने के बाद में उनका बेटा नहीं आया अरेस्टिंग के डर से। डरता किस लिए है? अरे किस लिए धन लूटा था सुब्रत राय ने? आज चूंकि पैसा नहीं दे रहा है तो एज ए इन्वेस्टर, एज एजेंट मैं पूछता हूं, भूतपूर्व एजेंट जो हमने रिजाइन ठोक दिया, क्योंकि हमने भी कई लोगों को कहा था यार सहारा से हमको पैसा अच्छा मिल रहा है, ऐसा मिलेगा ऐसा बोलता है, हम भी पैसा डाल दिए तुम भी डालो, तो बोला हाँ हम भी डाले हैं, हमको भी मिला था। तो मेरे कहने पर भी भरभली कुछ लोगों ने जमा कर दिया। आज वो जूते लेकर के हमें खोलते हैं, मैं आपके चैनल से बोल दूं, सीधा कहता है अनिल सिंह तुम तो लड़ रहे हो हर जगह, सड़क से लेकर के संसद तक कोर्ट तक धक्के खा रहे हो, तुम्हारे पीछे पूरी दुनिया लगी हुई है, साथ दे रही है जितने भी लोग निकले, लेकिन मैं बता दूं आज भी पूछते हैं अनिल सिंह पैसा कब दिलवाओगे यार। कई एजेंटों के घर में मैं बता दूं कि इन्वेस्टरों ने तोड़फोड़ की लूट लिया, उनके घर की मां बहनों की इज्जत उतार ली गई, कई महिला एजेंटों को सड़क पे उनको निर्वस्त्र करने की कोशिश की गई। ऐसा मामला एक हमारी है मुस्लिम बहन है, वो बहन और बेटी दोनों, मां और बेटी दोनों आई थी कलकत्ता में, हम जब 9/5/2022 को जब आंदोलन कर रहे थे सारा सदन का घेराव किए थे, तो मनीष कश्यप के वीडियो में आया था वो सच तक में, ये अपने आप में एविडेंस है। वो प्रोटेस्ट के दौरान हमारे बगल में रो रही थी, उस वक्त कम से कम तो 3-4 हजार से ऊपर की भीड़ थी, और कलकत्ता का आप मूड जानते हैं, वहां का माइंडसेट जानते हैं, भीड़ ने कहा सहारा से बाद में निपटेंगे, जिसने इस महिला को हमारी बहन बेटी को निर्वस्त किया है पहले उसके हम हिसाब बराबर करेंगे। हमने हाथ जोड़ के सबको समझाया कि नहीं हम उसका हिसाब तो बाद में करेंगे, कैसे करेंगे ये मैं जानता हूं, लेकिन पहले सहारा को घेरो। देखिए सहारा की नीयत अच्छी नहीं है, ये मैंने प्रूफ कर दिया। अब क्या है दिक्कत? दिक्कत क्या है? सीआरसीएस भी इसमें अपनी गलत नीति का उपयोग कर रहा है। सीआरसीएस कहता है कि एक से ज्यादा आप जैसे कि मेंबरशिप आईडी जैसे कि भाई आपका एक्सेप्टेड नहीं होगा, सोर्स ऑफ इनकम पूछता है। उस वक्त सीआरसीएस का मैनेजमेंट कहां गया था? जब कोई इन्वेस्टर एक ही दिन में कई लाख कई करोड़ जब जमा कर रहा था, तो उस वक्त उसका कानून क्यों नहीं आया? जैसे ही सर्टिफिकेट जमा किया, सर्टिफिकेट मिला, रसीद जमा हुआ सहारा के तहत, तो क्या सीआरसीएस को यह पता नहीं था उसकी ऑडिटिंग टीम क्या कर रही थी? आज मैं सवाल पूछता हूं, क्या ये लोग मिली भगत नहीं थे? चोर चोर मौसेरे भाई नहीं थे? आज गलत इसका कटा इन्वेस्टर का, कंपनी गालियां खा रही है, एजेंट खा रहा है, इन्वेस्टर को फाइट कर रहा है, 4,000 से ऊपर लोग मर गए। अनिल सिंह जी आप सहारा में कब तक एजेंट थे? भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।